हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स विंग। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, दिवाली सामने आ रहा है तो हमें पिक्सेल एलईडी का डिफरेंट डिज़ाइन गेट और बोर्ड बनाना होगा। तो उनको कैसे बनाते हैं, पिक्सेल एलईडी में डिफरेंट पैटर्न कैसे रन करते हैं, कैसे इस 8x24 एलईडी का एक बोर्ड बनाते हैं, उस पर डिफरेंट पैटर्न रन करते हैं, उसका कनेक्शन कैसे होता है, उसका सप्लाई कैसा होता है, उसको क्या हम ESP32 और आर्डिनो से कंट्रोल कर पाते हैं कि नहीं, चलिए देख लेते हैं आज के इस वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, मेरे पास 8x24, इसका मतलब है एक डायरेक्शन में 8 LED है, मतलब कॉलम नंबर ऑफ कॉलम 8 है और नंबर ऑफ रो 24 है। तो इसके पीछे कैसे वायरिंग किया गया है उसको देख लेते हैं। पिक्सेल एलईडी के बारे में आपको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा। यहाँ पे जो एरो का डायरेक्शन है, यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर से डाटा इन होगा और दो तीन वायर होता है, पॉजिटिव नेगेटिव और डाटा इन और नेक्स्ट, ऐसे जोड़ते जाइए तो आपका स्ट्रिंग इंक्रीज होगा। तो देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ है डेटा इन, इस तरीके इस पैटर्न से डेटा का कनेक्शन हुआ है, इसको एस टाइप वायरिंग बोलते हैं। टॉप लेफ्ट से स्टार्ट हुआ है, एस टाइप वायरिंग होके यहाँ पर टॉप राइट पर एंड हुआ है। तो यहाँ पे डेटा का जो कनेक्शन है ये प्रोग्रामिंग में डालना पड़ता है कि कैसे डेटा का लेआउट है। और यहाँ पे देखिए, ये जो एरो का डायरेक्शन होता है एलईडी में, वो दिखाता है कि डेटा का फ्लो किधर के होने वाला है। यहाँ पे देखिए, एक माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ करना पड़ता है पिक्सेल एलईडी को कंट्रोल करने के लिए, जो कि यहाँ पर एडमेगा 8A को यूज़ किया गया है। नॉर्मली जो जनरेटर मैन में आपका लाइटिंग में यूज़ किया जाता है, ये चिप माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ किया जाता है। ये काफ़ी सिमिलर है एडमेगा 328 जो आर्डिनो उनो में यूज़ होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको इस डायरेक्शन में आप रख सकते हैं, लंबा भी रख सकते हैं, और इसको ऐसे इस डायरेक्शन पे रखने पर आपको नंबर ऑफ कॉलम 24 मिल जाता है, नंबर ऑफ रो 8 मिल जाता है। इस पर आप ESP32 बोर्ड का यूज़ करके प्रोग्रामिंग डाल के आप इसको एज ए नेम प्लेट और डिस्प्ले भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर आपका नेम स्क्रोल करके आएगा और कुछ भी इमेज दिखा सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा एलईडी का नंबर ऑफ एलईडी ज़्यादा हो तो अच्छा है। यहाँ पे देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई का एम्पियर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पे बीच बीच से प्लस माइनस सप्लाई दिया गया है। तो यहाँ पे कनेक्टर पे तीन वायर होता है, दो साइड का, एक वाला नेगेटिव, एक वाला पॉजिटिव और बीच वाला डेटा इन, जो कि माइक्रो कंट्रोलर से इनपुट होता है एलईडी में। इनपुट होने के बाद एक के बाद एक पैरेलल में एलईडी कनेक्ट हुआ जाता है और इसमें WS2811 मेन जो IC है, कंट्रोलर जो RGB एलईडी को कंट्रोल करता है इसके अंदर। ये पिक्सेल एलईडी नॉर्मल एलईडी से अलग है क्योंकि इस पर आप प्रोग्रामिंग करके, इसको एड्रेसेबल एलईडी भी बोला जाता है, इसको आप माइक्रो कंट्रोलर के हिसाब से प्रोग्राम करके अपने अकॉर्डिंग कभी भी कहीं भी कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, कोई भी एलईडी का कलर कुछ भी सेट कर सकते हैं इस पैरेलल कॉम्बिनेशन कनेक्शन के मदद से। इसके अंदर एक IC मेन होता है डाटा और दूसरे पिन से आउट होता है, मतलब हर एलईडी का एक एड्रेस है, उस एड्रेस को आप प्रोग्राम के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। उस हर एक जो एलईडी है उसका RGB तीनों एलईडी का कलर मिला के आप कोई भी कलर प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए, इसको पावर देने के लिए 5V SMPS की ज़रूरत पड़ता है। नॉर्मली ये पिक्सेल एलईडी 5V का होता है, कभी कभी 12V का भी होता है, बड़ा वाला जो पिक्सेल एलईडी होता है लंबा लंबा। नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं वो 5V का है, WS2811। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव बीच बीच में से दिया गया है। और यहाँ पे देखिए, दो लड़ी को कैसे आगे आगे कनेक्ट किया जा रहा है। मेन चीज़ है यहाँ पे, पावर का तो सभी पैरेलल है लेकिन डेटा का एक पैटर्न में होता है। देखिए, यहाँ पे जो है एटमेगा 8A यूज़ किया गया है, तो हम इसके जगह पे अपना ESP32 बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट सिंपली प्लस माइनस 5V से कनेक्ट करना है और एलईडी जो है काफ़ी ज़्यादा पावर लेती है, इसलिए इसको अलग से पावर सप्लाई देना ज़रूरी है। यहाँ पर सिर्फ ESP32 बोर्ड को सप्लाई देने के लिए प्लस माइनस 5V ले लेते हैं यहाँ पर, और जो है कोई भी डाटा पिन हम यूज़ कर लेते हैं डिजिटल पिन डेटा प्रोड्यूस करने के लिए। उसके बाद आप ESP32 पे एग्जांपल कोड आर्डिनो IDE पे मिल जाएगा आपको, उससे आप पुट करके टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको उस वीडियो टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए, इस पर मैं डेमो थोड़ा दिखा दूंगा। अगर आपको चाहिए कि इस नॉर्मल पिक्सेल एलईडी बोर्ड में अपना नाम लिख के स्क्रॉल करें उस तरीके का बनने का, तो उसका वीडियो अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिएगा, तो मैं ज़रूर बता दूँगा, क्योंकि दिवाली आ रहा है तो आपको ज़रूर इसका ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा पावर सप्लाई पैरेलल देना है। तो देखिए, यहाँ पे डेमो प्ले करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे एलईडी नंबर ऑफ एलईडी कम है, इसलिए कुछ लेटर अच्छे से दिख रहा है और कुछ लेटर थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए नंबर ऑफ एलईडी आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। उसके बाद हो जाएगा प्रोग्रामिंग में, उस अकॉर्डिंग नंबर ऑफ एलईडी रो कॉलम पुट करना पड़ेगा और किस टाइप का वायरिंग है उसको भी पुट करना पड़ेगा। स्टार्टिंग कहाँ से है वायरिंग का,
ओरबिट करना पड़ेगा तो अच्छे से दिखेगा। नॉर्मली इस टाइप का पैटर्न का जो कलर कॉम्बिनेशन है ये अच्छे तरीके से काम करेगा। तो आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी से भरा हुआ लगा होगा। अगर आप दिवाली में अपना पिक्सेल एलईडी का और भी लड़ी का कनेक्शन करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं पिक्सेल एलईडी के बारे में, तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पूरा डिटेल बताऊँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।